वो इको पार्क का सब प्रोजेक्ट है ना इलेक्ट्रिशियन वो कटे रात में तो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी थी श्रीनगर के बटवालू इलाके में, तो हम चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से उनके परिवार को भी कुछ स्पेशल एप्रिसिएशन दी जाए। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोहली साहब की अध्यक्षता में बहुत ही अच्छी तरीके से पुलिस और सिविल इसकी अगर आप पिछले 20-25 सालों के पन्ने खोल के देखेंगे एडिक्शन सेंटर की वाकई तौर पर, और रजौरी में जो है ड्रग्स की एक बहुत बड़ी एक जो प्रॉब्लम है, जिस जिले में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक साल में नवैया जो है कार्रवाई की गई है डिस्ट्रिक्ट में, और अभी वो हमारे जो है एक कार्रवाई जो जारी है वक्तन फवक्तन जो है हर जो दूसरे चौथे 10 दिन के बाद आप देखते हैं कुछ ना कुछ जो है एक्शन ड्रग्स के अगेंस्ट जो हो ही रहा है। जहाँ तक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का सवाल है, हाँ वाकई तौर पर वो नौजवान जो हमारे जो ऑलरेडी इस वबा में मुबतला हो चुके हैं उनकी बात आबादकारी करवाना जो है वो एक अहम काम है। जिस सिलसिले में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का क्याम ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो मुकम्मल हो जाएगा। वो तकरीबन आज से कोई 2-3 महीने पहले जो शुरू हुआ था काम, और होपफुली कि 1 महीने के अंदर अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा PHQ जो है पुलिस हेडक्वार्टर जो हमारा है वो बड़ा ही लिबरल है इस मसले में। वो PHQ ने एक डिस्ट्रिक्ट को हदायत दी है कि आप आइडेंटिफाई करें, कोई एक प्रपोजल हमें वो दें जिसके लिए हम आपको सूटेबल फंड भी दें ताकि आप ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है अपना पुलिस के अंदर भी एक जो है वो स्टार्ट करवा सके जिला सतह पर। तो वो भी इंशाल्लाह जो जल्द अज जल्द जो है हम जो है PHQ के साथ जो है जनाब डी साहब की जो है विशासत के थ्रू जो है अपना रखेंगे उनके समय, वो भी एक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चंद ही महीनों के बाद है, उसके बाद जो है हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के लिए बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी मुराद DIG साहब से है, मैं DIG साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टैंड पे हैं। उन्होंने और जो हमारे DG साहब उन्होंने उस भर्ती की बहुत तारीफ की, क्योंकि DG साहब खुद मेंबर होते हैं, क्योंकि जो बेइज्जती होती है पुलिस डिपार्टमेंट, अगर हमारा नीचे एक सिपाही भी बेइज्जती करता है सड़क पे जाके, वो फिर हमारी बेइज्जती है, SSP की बेइज्जती है, DIG की बेइज्जती है, इवन DG साहब की बेइज्जती है। तो ये एक उनका एक अंश है, पर हम लोग ये भी चाहते हैं कि जितने भी लड़के हैं वो सिर्फ पुलिस की तरफ नहीं बाकी डिपार्टमेंट भी हैं, मतलब इससे बढ़िया पुलिस में अगर आना है तो ऐसा अफसर आने की कोशिश करें, अच्छी पढ़ाई करें, और टीचिंग लाइन है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट उसमें करें। स्पोर्ट्स की आपने बहुत अच्छी बात की, अयूब साहब क्योंकि पहलवान होती हैं, पर जब नहीं है उतनी देर तो आप उसको रजौरी या जो भी आपके नज़दीक के हैं वहाँ पढ़ाएं। हम लोग बच्चों को फ़ौरन भेजते हैं पढ़ने के लिए, ये तो रजौरी दूर नहीं। हमने पुलिस पब्लिक दरबार लिया था कोटरंका में, लोगों को कहा जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की बात की है, और जिस फोरम में उनको पहुँचाना है DC साहब के पास, गवर्नमेंट के पास या हमारे DG साहब के पास, वो हम लोग उनको पहुंचा देंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो भी इनकी डिमांड्स थी या उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो सारी हम पूरी करें। जी मैं विजय चौधरी आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं कि जो आज हमारे यहां पे DIG साहब ने प्रोग्राम रखा हुआ था, पब्लिक मीट रखी हुई थी, पब्लिक इंटरेक्शन रखी हुई थी। हम DIG साहब के बेहद मशहूर हैं कि जिन्होंने जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप होता है उस गैप को कम करके वो हमारे बीच में आए और यहाँ के हमारे लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने यहाँ पे हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे उन्होंने यहाँ के जितने मसले मसाइल थे वो बताए, सिक्योरिटी को लेकर बताए, आने वाले इलेक्शन में जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए बताया। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी और उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे।